सुप्रभात बच्चों, मैं सिक्स क्लास के बच्चों को भी यही अभी संदेह छिड़ पाया हूँ। इसको मैं मिटा रहा था लेकिन नहीं मिटाया, आपके लिए छोड़ दिया। आप भी इसी संधि विच्छेद को पढ़िए, क्योंकि संधि विच्छेद को पढ़ाने में हम बहुत समझाने का कोशिश की आप लोगों को, इसके कारण कई दिन लग गए, है ना। और संधि विच्छेद में हम स्वर संधि जो भेद होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया, उदाहरण के साथ भी, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, आदि संधि। व्यंजन का जहाँ तक सवाल है उसमें भी 7-8 नियम है उसके भी, तो वो नियम समझाने की कोई बात नहीं, उसमें कोई बात क्रिटिकली नहीं है जिसमें समझाने की जरूरत हो। वो आप भी किताब पढ़ करके उसके नियम को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितना आप उसके नियमों को पढ़ करके और जितना समय लगाइएगा याद करने में, उतना समय अगर संधि विच्छेद बनाने में ही कर दीजिए तो यह आपका एक प्रैक्टिकली अनुभव हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं आप संधि विच्छेद की ओर लेकर के चल रहा हूँ। आपको 10-20-25 संधि विच्छेद आपको डेली बनवाऊंगा, आपसे बताऊंगा, आपका संधि विच्छेद मजबूत हो जाएगा। तो आइए, यहाँ जैसे हम लिखे हैं चिंतोन्मुख, चिंतोन्मुख का संधि विच्छेद आप ऐसे कीजिए। चिंतोन्मुख का संधि विच्छेद होगा चिंता धन उन्मुक्त, चिंता धन उन्मुक्त। तो ये स्वर संधि है क्योंकि आ और उ की संधि हो रही है जिससे ओ का विकार उत्पन्न हो रहा है। अतएव, अतएव का है अतः धन एव, तो इसमें विसर्ग लग गया है, तो जब विसर्ग के साथ कोई स्वर आवे या व्यंजन आवे तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। अतः धन एव अतएव विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ आविष्कार, आवि धन कार, यहां विसर्ग लगा हुआ है इसलिए आवि धन कार आविष्कार जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। सम्राट सम धनराट, मौन हलंत हो गया, यह व्यंजन है, है ना, यह स्वर नहीं है, क्योंकि उस दिन भी मैं आपको बतलाया था कि जिसमें हलंत लग जाए वो आधा ही वर्ण होता है और आधे वर्ण में स्वर नहीं होते। सम धनराट सम्राट व्यंजन संधि, संस्करण समजोड़करण संस्कार समधनकार, तो ये सब क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। झंडोत्तोलन झंडा धन उत्तोलन, झंडा ये विश्व संधि का उदाहरण है क्योंकि आ और ऊ की संधि हो रही है, वो कार बन रहा है। तो स्वर संधि में कौन संधि है बता सकते हो? स्वर संधि का कौन सा भेद है? गुण संधि का भेद है। और आ, ये दोनों जो है
साथ और कुकू के साथ मेल करता है तो ओकार एकार यही सब बनता है। समझ गए कि नहीं? मैं आपको बतलाया था अ धन ई से ए हो गया, आ धन ई से ए हो गया, अ धन ऊ से ओ हो गया, आ धन ऊ से ओ हो गया। तो यह गुण संधि का उदाहरण है। ये भी जन्मोत्सव जन्म धन उत्सव, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तपेश्वर तप धन ईश्वर, स्वर संधि में है और ई, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। चरणामृत चरण और अ दीर्घ संधि का उदाहरण है, और अ के मिलने से आ बन जाता है, इसलिए चरना हो गया चरणामृत। दैत्यारी ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है, स्वर संधि में दीर्घ संधि है ये, दैत्यो आ गया, अड़िका आ गया, और अ मिल करके आ बन गया दैत्यारी। उसी प्रकार यहाँ हम लिखे थे निसंदेह, लिखे थे निसंदेह का होगा निह, संदेश निसर्ग संधि का होगा ही निरोग, मनोरथ है, मना धन रथ मनोरथ, शिरोमणि सिरा धन मणि शिरोमणि, निर्विकार निधन विकार, उच्छ्वास उत् धन श्वास उच्छ्वास, किम धन चित किंचित, ये व्यंजन संधि हुआ, ये व्यंजन संधि हुआ, विसर्ग संधि विसर्ग संधि विसर्ग संधि समझ गया होइएगा। स्वर और व्यंजन और विसर्ग ये तीनों संधि को समझने में तो
तो शायद अब दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको स्वर संधि के ही हम वहां ले चलते हैं जहां इसके पांचों भेद निहित हैं स्वर संधि के। तो स्वर संधि में ज्यादा इसमें गुण संधि का उदाहरण है, त्रिगुणातीत एक शब्द है, त्रिगुणातीत समझ गया कि नहीं। त्रिगुणातीत में क्या होगा, संधि विच्छेद इसका क्या होगा, त्रिगुणातीत इसका संधि विच्छेद होगा त्रिगुण धन अतीत। क्या होगा, इसमें का मिलाइए और इसमें का मिलाइए ई, और ई से क्या होता है, ई कहां से और ऑन है, त्रिगुण में अ हुआ अतीत में अ हुआ, तो और अ के मेल से आ बनता है। ये मैं आपको दीर्घ संधि में बतलाया था, तो ये दीर्घ संधि हो गया त्रिगुणातीत। उसके बाद मैं आपसे कह दूं जो यज्ञ यज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा, यज यज धान न यज्ञ हो गया, समझे कि नहीं। चूंकि इसमें जो हलंत लगा हुआ है इसलिए यह स्वर संधि नहीं होकर के व्यंजन संधि हो गया, स्वर संधि नहीं होकर के व्यंजन हो गया। हृदयाकाश, हृदय धन आकाश, तो यो और आ से
आ बना दीर्घ संधि हुआ, उसी प्रकार सदैव, सदैव में उस दिन भी मैं बतलाया था आ और ए के मेल से आय बन जाता है। आ और ए के मेल से आय बन जाता है, वृद्धि संधि हुआ। वृद्धि संधि में चारों ऊपर ध्यान देना है, ओ और ए से आय, आ और ए से आय, ओ और ओ से ओ, आ और ओ से ओ। जैसे महोदार्य, महोदार्य तो महा धन औदार्य, महोदार्य हो गया। ये भी आपका दीर्घ संधि का ही एक अंश है। शुभ्रांशु, शुभ्र भ्र भ र अ, शुभ्र हो गया, अ हो गया, अंशु का अंशवार हो गया, तो आकार हो गया इसका शुभ्रांशु। शास्त्रानुसार, शास्त्र अ, अनुसार अ, ये दीर्घ संधि हुआ। व्युत्पत्ति बी ई व ई हर्षिकार, ई हर्षिकार और उ, शायद यह यण संधि का उदाहरण है। ई और उ, ये हम बतलाए थे ई और हर्ष उ से यू हो जाता है हर्षुकार, और ई और दुर्घ उ से यू हो जाता है दुर्घकार, जो यण संधि में मैं आपको बताया था। विद्यालय विद्या धन, आलय विद्या आ, आलय का आ, तो विद्यालय हो गया, स्वर संधि हो गया। उसके बाद आपसे कह दें जो विकासोन्मुख, विकासोन्मुख, विकास धन उन्मुख, विकास धन उन्मुख, और उसे गुण संधि बना है, विकास उन्मुख गुण संधि हो गया। समझे कि नहीं? उसी प्रकार ई और अ से, ई और अ से व्यर्थ हुआ, तो ये कौन संधि हुआ? ये भी यण संधि हुआ। यण संधि में ही ई के बाद कोई स्वर लगता है, और ई के बाद या उ के बाद कोई स्वर लगता है, यण संधि का यह उदाहरण है। लोपाद्रुम, लोप लोप, लोपा धन आद्रुम, लोपाद्रुम लोपाद्रुम। लुप्तोपमा, लुप्तो अ उपमा के उ गुण संधि हुआ, अ का मिलान उ के साथ कर दो गुण संधि हो जाएगा, अ का मिलान दुर्घ उ से कर दो गुण संधि हो जाएगा। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो गया। आप
घर पर 10 मिनट आधा घंटा संधि विच्छेद में समय दोगे तब ना मैं जितनी भी बातें बताया हूँ सारी बात तुम घर पर जब पढ़ोगे तो सारी बात आएगी लौट लौट करके, और तब तुम्हें लगेगा कि नहीं यहाँ पर सर जी ये बतला रहे थे, ये बात किताब में है, ये बतला रहे थे, ये बात किताब में है, बुक में है। तो पढ़ने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। खैर, आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ, और जितने बच्चे मेरे क्लास में उपस्थित हुए हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।